कृष्णा वो नहीं लेनी बिटू नहीं एक एक पंख लेने जा रहा है क्या तू किशन नहीं दादा 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 अच्छा किशु कितना बड़ा कृष्णा कितना बड़ा इतना बड़ा वेरी गुड मम्मी ये साड़ी यहाँ पे रखी थी बेड पे इसने खींच के नीचे गिरा दिया और उसमें देख कितना खेल रहा है कृष्णा कितना बड़ा किशु कृष्णा कितना बड़ा इतना बड़ा कृष्णा इतना बड़ा क्लैप 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 इतना बड़ा अरे बाबा क्लैप करो किशु क्लैप 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 अच्छा बाबा रे क्या कर रही है चेतन डर देखो डराने जा रहा है ये लड़के को मस्तियां चढ़ी भर भर के कितना बड़ा बाबू बाबू कितना बड़ा इतना किशु कितना बड़ा बताओ इतना क्लैप 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 किशु क्लैप 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 कृष्णा बहुत बड़ा है कृष्णा हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल पूछो नमस्ते कैसे हो आप लोग जय श्री कृष्णा करो तो मेरे रूम में ना ये धूप आती है तो मैं नहा ली हेयर वॉश वगैरह किया मैंने और किशु जो है वो सेकंड नैप अपनी लेके उठा है अभी मुझे लगा था कि मैं नहा लूँगी आज मतलब मम्मी है तो मैं आराम से नहा लेती हूँ हेयर वॉश वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ मुझे लगा था अभी तो सो रहा है जब उठ के बाहर आई थी देखा तो जग रहा था इतनी छोटी सी कोई नैप लेता है क्या खैर आज है आमला एकादशी आप सभी को आमला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं तो आज जो है वो एकादशी तो है ही है एकादशी के बाद में आज है धूंध पूजा जो होली के पहले होती है ये जो है क्या बोलते हैं एकादशी को ही होती है होली के पहले जो एकादशी आती है उसको ये पूजा होती है तो हम लोग जो है वो करने वाले हैं अभी धूंध पूजा क्या होती है हमारे साइड में शेखावाटी साइड में क्या होता है होली के पहले या फिर आप हमारे पूरे समाज में एक्चुअल में होता है ये कि हम होली के पहले जो एकादशी आती है उसमें जो हमारा बच्चा होता है उसकी उसके साथ में उसकी माँ और बच्चे की पूजा करवाई जाती है गणेश जी की बेसिकली तो जो पहला बच्चा हो या फिर दूसरा बच्चा हो मतलब जब भी बच्चे होते हैं तो होली के पहले उनको पूजा ही जाता है वो नानी वालों की तरफ से आता है नानी घर की तरफ से आता है तो ये जो है मेरी मम्मी लेके आई थी तो मैं करने वाली हूँ और अगर नानी की तरफ से नहीं आ पाता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो बुआ भी कर सकती है तो बुआ भी करती है और नानी भी करती है तो मेरे नानी के यहाँ से आ चुका है और हम लोग जो है अभी पूजा करने वाले हैं उससे पहले मुझे लेके आनी है नीचे पूजा से पूजा करने के लिए धूप मम्मी ने बोला लेके आओ तब मैं धूप ऊपर तो नकली है नीचे ढूंढती हूँ थोड़ी बहुत मुझे मिल जाएगी तो गणेश पूजा के लिए मुझे चाहिए होगी तो ये जो महाशय है ये बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा मैंने कहा चलो आपको भी घुमा के ले आती हूँ और ले आते हैं तो बस जा रहे हैं और ढूंढते हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी मैं तो यहाँ पहुँची हूँ यहाँ पहुँचने से पहले अभी जस्ट धूप की कटिंग हो गई है चारों तरफ से तो इतनी सी मिल गई है मुझे थोड़ी सी मैंने नीचे से ही ले ली है जो लंबी लंबी कट हुई थी बाकी थोड़ी बहुत इधर उधर कोनों में थी तो वो निकाल ली है यार मतलब घर में इतनी ठंड सी लगती रहती है ना कृष्णा को मैं सुबह सुबह तो नीचे नहीं उतारती इतनी ठंड रहती है और अभी देखो यहाँ इतनी भयंकर धूप है कि आँखें नहीं खुल रही है तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि मम्मी क्या लेके आई है ये मेरी ड्रेस है जो कि मैं अभी पहनूंगी पूजा करते टाइम पे ये हम लोग शेखावाटी से हैं मतलब सीकर से है ना तो शेखावाटी की ही ड्रेस है मतलब ये घाघरा होता है घाघरा आजकल अलग अलग डिज़ाइन के मतलब जो भी है वो पहनते हैं तो ये वाला घाघरा अभी शायद से ट्रेंड पे है तो लेके आई है और ये इसके ऊपर है पीला क्योंकि अब बच्चा हुआ है और पहली पूजा है मतलब होली की तो पीला लेके आई है
कि मैं उड़ूंगी तब आपको प्रॉपर दिखा दूंगी। ये इसकी ब्लाउज पीस है तो इसके साथ में तो अभी सिलवाई नहीं है, अभी भी सिलवाऊंगी तब देखा जाएगा। तो ये जो है ये मेरी है, ये मम्मी की है, मतलब जो मेरी सासू माँ है उनकी साड़ी है। और ये किशू के कपड़े हैं, कृष्णा के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कपड़ा जो है वो होता है ये। तो ये जो है लाई है मम्मी सफ़ेद कुर्ता, पूरा एक वाइट होता है, प्योर वाइट जो होता है ना, पूरा वाइट होता है ये, पूरा वाइट कुर्ता पजामा कृष्णा के लिए लेके आई है। थोड़ा सा बड़ा लेके आई है मम्मी, क्योंकि मम्मी बोली कि थोड़े टाइम तक बच्चा पहनेगा अच्छा रहता है। तो वन मतलब ज़ीरो साइज़ का शायद मम्मी बोली उसके पास था भी नहीं, ये वन का है। तो ठीक है अभी पहना दूंगी, फिर थोड़े टाइम तक पहनता रहेगा। वैसे भी नी लेंथ तक का बोला था मम्मी ने, बोला कि उसने बोला घुटने तक आएगा, तो शायद से है, बाकी तो बड़ा ही लग रहा है मुझे थोड़ा सा, पर ठीक है पहना के देखेंगे अभी। तो ये है और उसके साथ में होती है ये कैप। मम्मी ऐसे दो कैप लेके आई थी, एक मैंने कृष्णा को पहले ही पहना दी लाते ही, मैंने कहा मम्मी एक कैप, मम्मी बोली दो टोपियाँ लेके आई हूँ तो एक पहना दे एक रख ले। तो एक जो होती है वो कॉटन की कैप होती है बच्चे के सर पे, तो ये कैप है और ये वाइट कुर्ता और पजामा, ये हो गया पूजा का, ये कृष्णा पूजा में पहनेगा। और फिर उसके बाद में एक ड्रेस ये लाई है, ये वाले जो ड्रेस है ये इसके बड़े मामा और बड़ी मामी ने भेजी है ऑनलाइन, उन लोगों ने ऑर्डर करी थी कृष्णा के होली के लिए। ये मुझे बहुत पसंद आई, एकदम फिट साइज़ है, क्योंकि उनकी खुद की बच्ची जो है वो कृष्णा के एज की है तो उनको पता है। सो ये कृष्णा के लिए भेजा उन्होंने कुर्ता, जो कि मैं उसको होली पे पहनाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा लगेगा शायद इसमें। और ये इसके नीचे धोती है, तो बेसिकली धोती कुर्ता है जो कि होली पे होली के लिए भेजा है मामी ने, तो मैं इसको पहनाने वाली हूँ होली पे। और ये एक ड्रेस और है जो मम्मी लेके आई थी, और एक ड्रेस और लाई थी जो कि मैंने उसको पहना दी है क्योंकि ये जो ड्रेसेस है ना ये बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ में होती है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो ये मैंने मतलब मम्मी को कि मैं पहले ही पहना देती हूँ, मम्मी काम आएगी मेरे, क्योंकि अभी ना ठंड है ना गर्मी है, तो उस चक्कर में एक पहना दी। और ये सब मम्मी जो है सामान लेके आई है, और भी छोटा मोटा होता जो पूजा करती रहूँगी ना तब दिखाती रहूँगी। तो अच्छा अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो टास्क है वो ये है कि ये जो वाइट कुर्ता पजामा है ना ये वाला, इसके ऊपर ये पूरा वाइट कपड़ा लेते हैं। पहले तो क्या होता था, बच्चा पैदा होता था फिर वो वाइट कपड़ा आता था उसके सिलवाते थे, ठीक है। तो आजकल तो ऐसे रहा नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा तो रख देते हैं, लेकिन मम्मी बोली कुर्ता पजामा नया लेके आते। तो ये बेसिकली इसके पीछे आपको स्वास्तिक बनाना है रोली से, रोली मतलब कि ये जो टीका लगाते हैं ना जिससे हम, तो इससे हमें बनाना है स्वास्तिक। तो मम्मी पहले तो ऐसे करके बड़ा सा बना देते थे, तो मम्मी ने बोला इतना बड़ा मत बना, छोटा सा क्यूट सा बना दे। और सबसे मेन चीज़ है कि छोटा सा अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा वो भी नहीं होएगा, क्योंकि जितना बड़ा बनाएंगे ना उतने ज़्यादा एरिया में कलर ही कलर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो फैलता है, जैसे ही धोएंगे ना पूरा का पूरा कलर जो है रेड रेड हो जाएगा इस पर। तो मैंने सोचा है कि छोटा सा, मम्मी बोले शगुन होता है, तो मैं सोच रही हूँ शगुन का इधर उधर कहीं भी बनता, पीठ पे ही है, तो कहीं भी जो है इस एरिया में मुझे बनाना है, तो अभी बनाते हैं। पूजा के लिए रेडी हो चुका है सामान, गणपति जी को विराजमान कर दिया है, ये रख दिया है और ये रख दिया है, थोड़ी देर में बताती हूँ क्या क्या है। किशू भी रेडी है, इसको लग रहा है मम्मा कहीं जा रही तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। और ये देखो शुरू हो गया गले में, ये पहना इसने वाइट कुर्ता है जिसके पीछे बना है स्वास्तिक। कृष्णा कहीं नहीं जा रही, आप भी तो रेडी हो और मम्मी वहां इंतजार कर रही है कि तुम लोगों का हो तो फिर हम पूजा शुरू करें। मम्मी आज ये ढूंढ की पूजा क्या होती है?
ढूंढ की पूजा होती है वो, क्या बोले वो होली के 5 दिन पहले एकादशी आती है ना, अमला एकादशी, अमला एकादशी दिन खरीद कराई जाती है जो बच्चा होता है ना, तो उसकी पूजा होती है। तो बच्चे की पूजा मतलब बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कि बच्चा हेल्दी रहे, हाँ, स्वस्थ रहे, इसलिए ये पूजा करवाई जाती है। तो चलो भाई कृष्णा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी थी, तिलक वगैरह किया, दूर्वा वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाया, एंड मम्मी ने फिर जो है हमें तिलक लगाया। उसके बाद में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें होती है वो होती है पॉपकॉर्न होते हैं, ज्वार के पॉप छोटे छोटे से पॉपकॉर्न होते हैं, और उसके साथ में होते हैं पताशे, और थोड़े से उसके अंदर होते हैं बेर। ये 3 चीज़ जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मतलब बेसिकली ये प्रसाद चढ़ा के उसके बाद में अगल बगल में सब जगह पे बांटा जाता है एक खुशी के तौर पे या फिर जो भी मान लो आप। तो वो फिर एक प्लेट में लेके मम्मी ने मुझे पकड़ाया प्रसाद चढ़ा के भगवान को, और मतलब उससे मेरी जो झोली भरते हैं ना वो भरी। तो उस तरह से ये सब पूजा होती है वो कम्प्लीट होती है, और बस ज़्यादा कुछ नहीं होता ना, माँ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, और बस इसी तरह से संपन्न होती है पूजा। मैं गई थी थोड़ा सामान लेने, और ये देखो मुझे क्या मिला, नटखट। ये बचपन में मेरा मोस्ट फेवरेट हुआ करता था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और ये शायद से 1 या 2 रुपए का आता था उस टाइम पे, और महंगा नहीं, मतलब महंगा उस टाइम पे महंगा ही था, 1-2 रुपए भी नहीं मिलते थे। अभी ये 5 रुपए का आया है, और मैं इसकी फटाफट से 4 पैकेट पहले तुरंत निकाली, मैंने कहा मेरे को 4 पैकेट दे दो, क्योंकि मैंने काफी सालों बाद देखा, मुझे याद भी नहीं कि शायद मैंने एक बार बीच में मुझे शायद दिखा था, बट नहीं मैंने अभी तक इसको खाया नहीं है। तो बहुत ही एक ऐसी फील आ रही है, अरे यार नटखट है, तो मैं पक्का 4 पैकेट खाऊंगी इसके, अभी लेके आई हूँ घर पे और खाएंगे।